नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन तोमर और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। और जिस टॉपिक पर मैं आज डिस्कस करूँगा, 90% लोग सेक्स करने से पहले ये गलतियाँ करते हैं और इसी की वजह से उनको शीघ्र पतन की समस्या होती है, लिंग में तनाव की कमी की समस्या होती है और वो बहुत ही बेफालतू में दवाई खाते रहते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो आपका सेक्स जीवन सफल बना देगी। इसमें जो सबसे पहली मिस्टेक है जो लोग करते हैं सेक्स करने से पहले, सबसे पहली मिस्टेक है कि उनको सेक्स एजुकेशन है ही नहीं, कि उनको सेक्स एजुकेशन की कमी है। देखिए, आप सेक्स करने से पहले आप इसको पूरी एजुकेशन लीजिए और इसके लिए मैंने इतनी वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पर, जाइए आप उसमें, मैंने हर तरह की वीडियो में बना चुका हूँ। मैं शीघ्र पतन के ऊपर बना चुका हूँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बना चुका हूँ, फोर प्ले के बारे में बहुत सारे ढेरों वीडियो मैंने इस बारे में बना चुकी है। तो सबसे पहले आपको सेक्स एजुकेशन लेनी है, उसके बाद ही आप सेक्स के लिए आप तैयार होइए। इसमें फिर दूसरी बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग कि वे स्ट्रेस में रहते हैं, अपने कोई फाइनेंशियल या घर की, घरेलू या दफ्तर की या कोई सामाजिक, उसकी वजह से एंजाइटी में रह गए, स्ट्रेस में रहते हैं और तब सेक्स करने जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनको प्रीमैच्योर इजेकुलेशन होता है। तो कहने का ये मतलब है, कभी भी सेक्स करने से पहले कोई स्ट्रेस आपको नहीं लेनी है, किसी प्रकार की एंजाइटी, किसी प्रकार का डर, मन में कोई डर नहीं, मतलब आपको फ्री माइंड से आपको सेक्स करना है। आप यदि ऐसा करोगे तो आपको प्रीमैच्योर इजेकुलेशन कभी नहीं होगा। तीसरा है, बहुत से लोग ये गलती, मैं करता हूँ, बहुत ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि सेक्स करने से पहले वे या तो अल्कोहल लेते हैं या ड्रग लेते हैं या कोई ऐसी नशीली चीज लेते हैं। स्टार्टिंग में तो उनका रिजल्ट आता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है कि उसका इतना साइड इफेक्ट होता है कि उनको प्रीमैच्योर इजेकुलेशन होने लग जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लग जाता है। क्योंकि ये केस हमारे पास आते हैं, इसलिए मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पेशेंट से केस टेक लेते हैं या हम फोन से उनसे पूछते हैं या जब हमारे क्लिनिक पर भी आते हैं, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि सर स्टार्टिंग में हमने एल्कोहल का इस्तेमाल किया तो स्टार्टिंग में तो रिजल्ट आ गया, लेकिन धीरे धीरे वो रिजल्ट खत्म हो गया, हम कितनी भी अल्कोहल ले लेते हैं कोई रिजल्ट नहीं आता। तो कहने का ये मतलब है, कभी भी आप सेक्स करने से पहले कोई भी लिक्विड, मतलब लिक्विड क्या, आप कोई भी अल्कोहल या आप कोई ड्रग, किसी प्रकार का आप कोई भी नशा, कहने का मतलब है आप सेक्स करने से पहले कोई नशा मत करें। और आपकी वाइफ भी या आपकी पार्टनर भी नहीं चाहती कि आपका जो पार्टनर है वो भी नहीं चाहे कि उसका हस्बैंड सेक्स करने से पहले कोई ऐसी चीज लीजिए। तो मैं कहता हूँ आप ये बिल्कुल ना लें। फिर नेक्स्ट है, कभी भी ज्यादा पेट भरकर खाना खाने के बाद तुरंत सेक्स मत करें, क्योंकि खाना खाने के बाद जो बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन जितना होता है वो पेट की तरफ जाता है और लिंग में तनाव की ऑटोमेटिक कमी हो जाती है, भारीपन होता है, आपको लेजीनेस आएगा, तो आप जो की परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। आप खाने के 2-3 घंटे बाद सेक्स कीजिए, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आता है हम उनको यही सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत आपको सेक्स नहीं करना है। नेक्स्ट है, यदि आपको कोई परेशानी है, मतलब कोई आपको फीवर है, जुकाम है या कोई ऐसी तकलीफ हो रही है, आप कंफर्ट नहीं हो रहे या आपका पार्टनर कंफर्ट नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी सेक्स ना करें। आप अपने पहले पार्टनर से पूछें, यदि वो बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है, तो आप सेक्स के लिए आगे बढ़े, चाहे उसमें आप हो या चाहे आपका पार्टनर हो। आपको ये देखना है कि आपको कोई शारीरिक कमजोरी तो नहीं है या कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आप कंफर्ट नहीं हो सेक्स के लिए, तैयार नहीं हो, तो आप बिल्कुल भी सेक्स ना करें। नेक्स्ट है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा इसमें मिस्टेक में, कि आपको कभी भी, देखिए सेक्स एजुकेशन मैंने आपको बताया है, आप कोई कैसा एकदम टारगेट ना करें कि ये मेरा टारगेट है, आज मुझे इतना करना है, इतने स्ट्रोक कर रहे हैं, इतने देर तक करना है। यदि आप माइंड में ही चलते रहेंगे ना आपके, तो आप वहाँ जाकर 100% फेल हो जाओगे। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको भी हम यही समझाते हैं, देखो सेक्स करने से पहले फोर प्ले करना बहुत जरूरी है। यदि आपके मन में सीधा टारगेट रहेगा तो आप 100% प्रीमैच्योर से अफेक्टेड हो जाओगे। दोस्तों, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सच है और मैं अपनी जो क्लिनिक पर ही चीज मैं देखता हूँ, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। फोर प्ले के ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे मेरी वीडियो या और बहुत डॉक्टर हैं जो इस बारे में वीडियो बना चुके हैं उनकी वीडियो देखिए। पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा, हम जब पेशेंट को बहुत देर, हम 1-1 घंटा पेशेंट से ले लेते हैं, चाहे हम फोन पे बात करते हैं, हमने ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर रखी, हमारे पास बेहतरीन
टीम है डॉक्टरों की, यदि तब भी आपको कोई परेशानी होती है, यदि आपको प्रीमैच्योर की परेशानी है, लिंग में तनाव की कमी है, लिंग में कठोरता नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो मेरे नंबर है आप हमसे बात कीजिए। हमारे पास पूरे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। पहली तो बात आप देखिए, आपको जरूरत नहीं है मेडिसिन की, यदि लगता है आपको जरूरत है डायरेक्ट बात कीजिए। हम आपकी ऐसी दवाई बना गए जिसमें होम्योपैथिक दवाई होगी, आयुर्वेदिक दवाई होगी, वो आपको हम आपको भेजेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे बहुत। और हम ज्यादा आप यदि आप हमसे बात करोगे, जब हम आपको अमाउंट बताओगे तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि इतना सस्ता मैंने ये कोर्स किया है आपके लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ, एक तो आप देख कोशिश करना, मेरी एक कोशिश है, एक ही इंटेंशन है वीडियो बनाने का, कि जो आपका पैसा है वो बर्बाद ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।